सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अनरसे की पूड़ी, क्योंकि इस समय त्यौहार का सीजन चल रहा है और इस त्यौहार के सीजन में आप अनरसे वाली पूड़ी ज़रूर बनाएं और ये बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको हम आपको बनाना बताएंगे और बहुत ही थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसमें, मगर बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अनरसे वाली पूड़ी। और जालीदार अनरसे की पूड़ी बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम चावल लिया है, जिसको हमने अच्छे से साफ करके 8 से 10 घंटे के लिए चावल को हमने भिगो दिया था। और भिगोने के बाद इसको हमने निकाल के पंखे की हवा में, मतलब धूप में नहीं रखना है, पंखे की हवा में इसको हमने फैला दिया था। और इसको हमें बिल्कुल कड़क नहीं करना है, बस 2 से 3 घंटे बस हमें पंखे की हवा में सुखाना है इसको। और उसके बाद हमें इसको दरदरा सा, मतलब बहुत बारीक भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, इस तरह हमें पीसना है इसको, और तभी हमारी जालीदार अनरसे की पूड़ी बनेगी। तो इसको हम पीस लेंगे और इसको हम एक जार में इसको पीस लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे। और देखिए इसको हमने इस तरह पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद जैसे इसमें रह जाएगा तो उसको हम अलग से पीस लेंगे फिर से। तो हम एक छन्नी लेंगे और आटा छानने वाली, तो इसी में इसको हम डाल देंगे और इसको हम छानेंगे, क्योंकि एक बार में ये पूरी तरह पीस नहीं पाता। तो फिर और इसको हम छानने के बाद इसको हम फिर से एक बार फिर से पीसेंगे। और देखिए इस तरह ये आटा हमारा निकला है और इसमें बाकी देखिए इस तरह। अभी इसको हम दोबारा फिर पीसेंगे और देखिए इस तरह हमने छानने के बाद जितना दोबारा बचा इसको भी अच्छे से हम फिर पीस लेंगे और दोबारा फिर हम इसी तरह छानेंगे। और देखिए हमने दोबारा इस तरह पीसने के बाद इसको हम छान रहे हैं और हमारा ये आटा बिल्कुल जैसे सूजी नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह हमें इसको पीसना है। और इसको हमने अच्छे से छान लिया है और इसको हम अलग रख देते हैं। और देखिए हमारा ये जो चावल का आटा है ये करीब हमने आधा किलो भिगोया था, इसमें करीब जो मोटे चावल के दाने हैं वो करीब 100 ग्राम से कम थोड़े निकले हैं, तो हमारा ये करीब 400 ग्राम से कुछ थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको हमने निकल लिया है और हमने करीब 200 ग्राम चीनी रखी है इसमें। और अगर आप पीसी चीनी बाजार में मिलती है, नहीं तो आप चीनी को भी आप पीस सकते हैं मिक्सी में। तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में, तो ये हमारी 200 ग्राम है। तो अब इसको मिक्स करेंगे, तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और सब सारा चावल काटा है इसमें हम डाल देंगे। और आप जब भी पीसें इसको छान के जरूर इस्तेमाल करें, इससे हमारा बराबर सा एक जो आटा है चावल का बन के आएगा और ये बिल्कुल सूजी की तरह बिल्कुल बन के तैयार है। और इसमें हम चीनी डाल रहे हैं और सबसे बड़ा प्रोसेस इसका यही है कि इसको हम हाथ से मसलते हुए इसको हम करेंगे अगर, और इसको ऐसा कर लेना है कि जो हमारी चीनी है वो मसलते मसलते बिल्कुल हल्का सा गीला हो जाए। अगर थोड़ा सा अगर कुछ कमी लगती तो इसमें हम एक दो चम्मच हम इसमें हम दूध मिला सकते हैं, बाकी हम इसको हाथ से करते रहेंगे। और इसको करीब हमें 10 से 15 मिनट इसी तरह इसको हाथ से में मसलते हुए इसको हमें करना है, जिससे अच्छे से ये नम हो जाए। और
और इसको हम बराबर से मसलते जाएंगे और ये हमारे हाथ की गर्मी से धीमे धीमे ये पिघलना शुरू हो जाएगा। और जो हमने चावल पीसा वो हल्का सा नम था और उसी नमी से ये चावल और चीनी अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाएगा। और देखिए इसको मसलते हुए करीब हमें 10 मिनट हो चुका है और देखिए धीमे धीमे ये हमारा मिक्स होना शुरू हो चुका है और थोड़ी सी नमी भी इसमें अच्छे से आ गई है और धीमे धीमे इसी तरह मिलाते जाएंगे और इसमें एक नमी आ जाएगी जिससे हमारे ये जो चावल और चीनी का जो मिश्रण है इसमें हमारे अच्छे से लड्डू बन जाए। इस तरह इसको हमें मिक्स करना है। और देखिए अब इसको मसलते हुए हमें करीब 15 से 20 मिनट करीब लमसम हो रहे हैं हमें और 10 मिनट पहले हम बताया दिखाया था उसके बाद ये 20 मिनट हम हो चुके हैं हमें। और देखिए मसलते और ये अच्छे से देखिए अब लड्डू ये बनना शुरू हो गया है। अब इसको हम करीब 5-6 मिनट इसको और अच्छे से करेंगे जिसमें हमारा ये बढ़िया से बनकर तैयार हो जाए। बस थोड़ा इसमें समय बहुत लगता है इसमें थोड़ा बस यही है और बाकी बहुत बढ़िया बनता है ये। इसको आप इसको इस त्यौहार पे आप जरूर बनाएं, इसको घर में जरूर ट्राई करें। तो देखिए इसको मसल रहे हैं और मसलते हुए मेरी उंगलियां भी दर्द होने लगी हैं मगर बनाना है तो फिर इसको हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। और देखिए इसको हम मसलते हुए करीब 25-30 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी देर इसमें हमें बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है इसको करते हुए। मैं तो सिर्फ आधा किलो यानी 500 ग्राम का ही बना रहा हूँ और ज़्यादा बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है इसमें। और धीमे धीमे देखिए चीनी ने अपना रस इसमें निकालना छोड़ दिया है और इसको हम बस एक डिब्बे में इसको रखेंगे वो भी 4-5 दिन के लिए, तभी हमारे जालीदार ये अनरसे की पूड़ी बनेगी। और देखिए इसको अच्छे से हमने इस तरह गोले बना लिए हैं और चावल का जो आटा है वो हमें बिल्कुल सूजी वाला ही जैसे सूजी होती उसी टाइप में हमें इसका आटा लेना है, बहुत महीन भी नहीं लेना है जैसा कि बताया, नहीं तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम एक इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और इसको हम इस तरह, और देखिए इस तरह हमने इसके लड्डू बना लिए हैं। और इसको हम एक डिब्बा लेंगे, हमें डिब्बा जो हम लेंगे जो भी जिसमें बर्तन में रखेंगे वो एयर टाइट होना चाहिए और इसको नॉर्मली एक जगह में रखेंगे तो इसलिए इस तरह हमने लड्डू बना लिए हैं और इस तरह इसको हम रख देंगे। और इसको बंद करके और डिब्बा एयर टाइट होना चाहिए, इसको हम 4-5 दिन के लिए इसको रख देंगे और फिर उसके बाद इसको हम बना के दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको हम बार बार डिब्बा नहीं खोलेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे 4-5 दिन के लिए रख रहे हैं। ये नहीं कि हम बार बार इसको खोल के देख रहे हैं तो ये सही से बनेगा नहीं, तो इसको हम 4-5 दिन के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। और देखिए ये 4-5 दिन हो चुके हैं और देखिए मैंने इस तरह रखा था और ये अच्छे से फूल गया है। अब ये बनाने लायक तैयार हो गया है और इसको हमने 4 दिन पहले इसको हमने मसल के इसको अच्छे से रख दिया था और ये एक जालीदार ये हमारी ये अनरसे की पूरी बनेगी। तो इसको अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक तरफ हम कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और इसको हम इस तरह की पॉलीथीन इसमें बनाएंगे हम क्योंकि हाथ भी चिपकेगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथ में हल्का सा हम तेल लगा लेंगे जिससे हम इसको पहले हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे
इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बनाएंगे हम। इस तरह सारे हम गोले बना लेंगे और इसको अच्छे से हम गोल शेप में बना देंगे। और इसको हमने 4 से 5 दिन पहले इसको हमने अच्छे से मसलते हुए इसको हमने रख दिया था और शक्कर भी काफी अच्छे से इसमें पिघल गई, तो इसे तो इसको हम बना लेंगे। और देखिए हमने इस तरह सारे गोले बना दिए हैं। अब हम इसको बेलने के लिए हम इस तरह की पन्नी लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इस तरह की हमने 2 पन्नियाँ ली हैं और इसमें भी हल्का सा हम लगा देंगे। इसको लगाने से ये रहेगा जिसमें आराम से हम बना सकते हैं इसको, तो आप चाहे तो हाथ पे भी रख के इसको बना सकते हैं, तो उसको बीच में इस तरह रख देंगे। और इस पर हम इस तरह पन्नी रख देंगे और इसको हम हल्के हाथों से और इसको हमें पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा मोटा ही बनता है, बस इतना ही हमें इसको बनाना है। अब आपको दिखाते हैं इसकी मोटाई है, क्योंकि ये पतला हम बिल्कुल नहीं बेलेंगे। और एक तरफ हमने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए और हमने इसके लिए लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहे तो थोड़ा छिछला ही बर्तन लें, तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई थोड़ी छिछली ली है, जिसमें बनाते समय हमारी ये पूड़ी का शेप वो बिगले नहीं। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और तेल बाद एक बार गर्म होने के बाद इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और इसको हम तेज आँच पे बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम थोड़ा धीमी आँच में ही सेकेंगे और एक एक ही पूड़ी इसकी सेकेंगे हम। तो इस तरह हम अंदर से की जो पूड़ी है वो निकाल लेंगे और इसको बहुत ही आराम से इसको हम इस तरह हाथ में लेके और इसको हम डालेंगे और इसको हम अब डाल देंगे और इसको हम धीमी धीमी आंच पे ही और इसके ऊपर से हम इसको तेल जो है ऐसे ऐसे डालते करते जाएंगे जिससे हमें और इसको हमें पलटते हुए नहीं पकाना है, बस एक ही तरफ पकाना है और बाकी ये ऊपर अच्छे से ये पक जाएगा। और ये हमें लाल बिल्कुल नहीं करनी है, बस इस तरह इस पर तेल बस ऊपर से ऐसे करते जाए और ये अच्छे से पक के तैयार है। बस इसको हमें इतना ही पकाना है और इसको हम निकाल लेंगे, इसको एक तरफ करते हुए किनारे। और देखिए हमने इस तरह सेक लिया है, आप देख सकते हैं बाजार में इसी तरह है होते और इसको एक ही तरफ सेकना है और दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि ऊपर से हम इस तरह कर लेंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं और इस तरह हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और सेम इसी तरह बनाना है हमें बिल्कुल धीमे धीमे आंच पे। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे जब पूड़ी बनाते समय इसमें इसे फूले ना, तो आप इसको कांटे की सहायता से इसको थोड़ा सा कर लें और इसको हम फिर इसी तरह से पूड़ी अच्छे से फूले कि नहीं और इसको हम डाल देंगे। और
तरसी की पूड़ी बना ली है और इसको आप ठंडे या गर्मा गर्म सर्व करें, क्योंकि लोग इसको ठंडा भी पसंद करते हैं, तो इसको हम ठंडा ही सर्व करेंगे। मतलब इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसको ऐसे ही बाहर ही रखेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो हमारी अनारसी की पूड़ी बनकर तैयार है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स में करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।